दरभंगा में हर साल की तरह इस साल भी पुष्प प्रदर्शनी के सफल आयोजन हेतु दोनार स्थित ओम श्री श्याम सिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बता दें कि यह पुष्प प्रदर्शनी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग दरभंगा में आयोजन किया जा रहा है। पुष्प प्रदर्शनी के विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में अध्यक्षा डॉक्टर लता खेताने महासचिव राघवेंद्र कुमार के द्वारा तरह तरह की जानकारी प्रदर्शनी के विषय में दिया गया। कार्यक्रम के संयोजक मिनी प्रदर्शनी ने बताया कि स्कूली बच्चों का इस बार बढ़ चढ़ कर भागीदारी होगा, जिसमें लगभग 30 स्कूल विभिन्न मॉडलों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को चित्रित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों के रैली से किया जाएगा। अलग अलग स्लोगन हाथ में लिए बच्चे सड़क पर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तत्पश्चात पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा। आम जनता के लिए 31 दिसंबर को 11 बजे से उद्घाटन समारोह किया जाएगा। अभिनंदन करती हूँ, आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप आज जहाँ पर खड़े हैं हम लोग, ये हमारे लेट नवीन बरोलिया जी का प्रांगण है, और वो उनको खाली एक मतलब कि प्रकृति प्रेमी नहीं कहेंगे हम लोग, उनका ये जुनून था, ये पूजा थी, जो कि आज मतलब कि उनकी बेटी और आयुषी और उनकी वाइफ श्रीमती रचना बरोलिया जो है काफ़ी हद तक उन्होंने मतलब बरकरार रखा है, बल्कि बढ़ाया भी है उन्होंने। और दूसरे में मैं कहना चाहूँगी कि पोल्यूशन में जो है हम लोग दिल्ली से कहीं पीछे नहीं है। 31st फ्लावर शो है, ये मेगा इवेंट जो है 29 दिसंबर को स्टार्ट होगा, जो कि 1 जनवरी तक चलेगा। 29 तारीख को जो है हम लोग पब्लिक से उनका गमला पौधे जो भी वो लाएंगे कंट्रीब्यूशन अपना एग्जिबिट सब जो लाएंगे वो हम लोग लेंगे। सुबह में हमारा 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 30 तारीख को जो है हमने कई कार्यक्रम रखे हैं। इस बार बच्चों के लिए हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली प्रोग्राम चॉकआउट किया है, ताकि देखिए बच्चे हमारे सबसे अच्छा जरिया होता है, जो ये अवेयरनेस कार्यक्रम में जो मतलब अवेयरनेस लाने में हमारा मदद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर साल 2 या 3 कार्यक्रम हैं, इस बार 6-7 कार्यक्रम उन लोग के संग, और सभी स्कूल्स में पर्सनली जा करके हम लोगों ने आग्रह करके सबको मतलब कि जोड़ा है। हमारी इस प्रोग्राम की बच्चों के कार्यक्रम में कन्वीनर को जो है मैं वो आपको सारा कुछ बताएंगे। जो जिम्मेदारी दी गई है ये सेक्रेटरी जनरल का हमारे NBHS के सभी मेंबर्स के द्वारा, तो उन सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दिया है। तो ये चैलेंज है हम लोगों के लिए और इस फ्लावर शो 31वां फ्लावर शो के लिए, कि हम इस फ्लावर शो को एक ऊंचाई पर ले जाएं, एक आयाम दे दें, जिसमें इस जनमानस के साथ साथ हमारे समाज, हमारे सोसाइटी और इवन की बच्चों का भी योगदान हमने इसमें ज़्यादा जोड़ा है, कि बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार होते हैं, उन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है। जो आज के डेट में हमारा दरभंगा का पॉल्यूशन 300 से ऊपर AQI शो कर रहा है, उन सबको एक सफल सही करने के लिए पौधे का रहना बहुत ही ज़रूरी है, और भाग लेने के साथ साथ बच्चों में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा थीमेटिक प्रोग्राम भी होगा, जिसकी जानकारी इसकी कन्वीनर मिनी प्रियदर्शनी जी देंगी। 30 साल पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में ये हमारा 31वां फ्लावर शो है, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड इन द सेंस ये कि फ्लावरिंग प्लांट्स का तो हमारा ये शो होता ही था, साथ में इस बार थोड़ा सा एडुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जोड़ा गया है, ये पॉल्यूशन को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए। तो हम लोगों ने स्कूली बच्चों को इस बार बढ़ावा दिया है, स्कूल्स को हम लोगों ने ऐड किया है कि स्कूल थोड़ा आगे बढ़ करके अपने बच्चों को अवेयर करें, जिसके अंतर्गत 30 तारीख से यह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले तो पेंटिंग कंपटीशन होगा, और पेंटिंग की 2 टॉपिक बच्चों को क्लास वाइज दी जाएगी और बच्चे उस थीम के ऊपर पेंटिंग बनाएंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मोर देन 25-30 स्कूल्स के बच्चे तो शामिल होंगे ही, प्राइवेट स्कूल के तो बच्चे शामिल होंगे ही। साथ में एक और बात आपको मैं जानकारी दे दूं कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में इस बार इको क्लब की के लिए बढ़ावा दिया गया है, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल को भी इसमें टाई अप करने का सोचा है। और 1 जनवरी इस दोनों दिन को हम लोग पब्लिक के लिए ये खुली रहेगी। इंट्री फी या सहयोग राशि आपको बताया गया है कि 20 रुपये सहयोग राशि है, ये जस्ट टोकन है, ये कोई इंट्री फी नहीं है, ये टोकन के रूप में है। और
ये अगर आप इसके हिस्ट्री के तरफ जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत 92 में हुई थी। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोगों ने ये फ्लावर शो किया था और उस वक्त मात्र 12 या 13 जो है सो पार्टिसिपेंट थे। आज के दिन में पार्टिसिपेंट हमारे 200 से 300 के बीच में पार्टिसिपेंट रहते हैं और मैंने तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि हमारी जो ये सोसाइटी है या फ्लावर शो इतना ग्रो कर जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी दरभंगा के बाहर जाता हूँ और ये फ्लावर शो से रिलेटेड फ्लावर के जितने भी लवर होते हैं उनसे मैं जाता हूँ, भेंट करता हूँ, तो वो सबसे बतलाता हूँ कि मैं दरभंगा से आया हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि अरे अरे आप दरभंगा से आए हैं, दरभंगा में तो बहुत अच्छा फ्लावर शो होता है, ऐसी मेरे को जानकारी है। नफीसा हजवा उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हजवा उमरा खिदमत में सरगर्म। अभी समिति सिवधारा दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586। सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।